आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 30 FPS, 60 FPS और 90 FPS के बीच में कितना डिफरेंस होता है और अगर आपके इनमें से कोई भी FPS आते हैं तो आपके गेम प्ले पर क्या असर पड़ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके कौन सी सेटिंग्स पर कितने FPS आते हैं। एक्सट्रीम पर आपको मिलेंगे 59.23, मतलब ऑलमोस्ट 60 FPS। उसके बाद आपको अल्ट्रा पर मिलेंगे 40.63 FPS। उसके बाद आपको हाई पर मिलेंगे 31.43, मतलब ऑलमोस्ट 30 FPS। उसके बाद आपको मीडियम पर मिलेंगे यहाँ पर 28 FPS और लो पर मिलेंगे आपको 24.54, मतलब ऑलमोस्ट 25 के समथिंग FPS। अब ये जो सारे FPS मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल रियलिस्टिक काउंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मैंने लॉबी में चेक किए थे, बट अगर आप इन गेम खेलते हो तो आपके FPS फ्लक्चुएट होते हैं लॉबी के हिसाब से या फिर आपके फ़ोन के हिसाब से। अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आपने काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा कि मेरे तो 5-10 FPS आते हैं, 15 या 20 FPS आते हैं, जबकि गेम इतना कम मतलब जो FPS है वो नहीं देता है। बट स्टिल अगर आपके इतने कम FPS आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन लैग कर रहा है। अगर आपका फ़ोन लैग करेगा तो आपको मिनिमम 2-5 FPS तक देखने को मिल सकते हैं, वो आपके फोन के लैग पे डिपेंड करता है। ज्यादा लैग होगा और गेम स्टक होगा तो आपका 1-2 FPS हो जाएगा। अब वैसे तो 30 FPS, 60 FPS एंड 90 FPS के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, बट BGMI में आपको ये डिफरेंस कैसे अच्छे और बुरे के लिए काम आ सकता है मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको लेटेंसी के बारे में समझना होगा। अगर आपके पिंग ज्यादा आती है तो गेम में डिले देखने को मिलता है, वो भी एक लेटेंसी डिले होता है, बट वो नेटवर्क लेटेंसी होती है। गेम लेटेंसी किसको बोलते हैं? लेटेंसी इज द मोर टेक्निकल टर्म फॉर लैग, विच इज व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग रेस्पॉन्स डिले वाइल गेमिंग। हाई लेटेंसी इज वॉट कॉज टाइम लैग एंड मेक गेमिंग फार लेस एंजॉयबल। लो लेटेंसी इज आइडियल एज दिस मीन्स यू आर एक्सपीरियंसिंग स्मूदर गेम प्ले। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक लो FPS डिवाइस है तो आपको गेम में डिले देखने को मिल सकता है। गेम में डिले कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास एक हाई FPS डिवाइस है तो आप सामने वाले बंदों को पहले स्पॉट कर लोगे, और अगर आपके पास एक लो FPS डिवाइस है तो आपको गेम में लेटेंसी ज़्यादा देखने की वजह से आप उसे इतना फास्ट स्पॉट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात आती है BGMI में रिकॉइल। अगर आपके पास एक हाई FPS डिवाइस है तो आपका रिकॉइल कंट्रोल बहुत ही अच्छा हो सकता है, और अगर आपके पास एट द सेम टाइम लो FPS डिवाइस है तो हो सकता है आपको रिकॉइल कंट्रोल करने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो। तो चलो आपने काफ़ी सारी बातें सुन ली कि हाई FPS डिवाइस पे आपका रिकॉइल कंट्रोल अच्छा हो जाएगा और आप बंदों को पहले स्पॉट कर लोगे, लो FPS डिवाइस पे आपको रिकॉइल कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी और बंदों को पहले स्पॉट नहीं कर पाओगे। बट ये सारी बातें प्रैक्टिकल टर्म्स में कितनी रियलिस्टिक हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आप स्क्रीन पे क्लियरली देखो तो 60 FPS, 30 FPS और 90 FPS के बीच में ज़्यादा रिकॉइल का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक एक बुलेट का डिफरेंस है। मतलब अगर आप 30 से 90 में कंपेयर करो तो सिर्फ 2 बुलेट्स का डिफरेंस है। और ये जो मेरे एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस आया है ये भी मैं क्लियरली सही नहीं बता सकता, क्योंकि हर बार ही अलग अलग भी आ सकता है, कई बार एक बुलेट का भी हो सकता है, कई बार 2 का भी। बट इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कह दें कि नहीं यार 30 FPS पे हमें रिकॉइल कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। बट इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी प्रॉब्लम को इग्नोर कर दें। दूसरी प्रॉब्लम है लेटेंसी की। अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो, लो FPS आते हैं, तो हाई लेटेंसी आपको फेस करनी पड़ेगी। हाई लेटेंसी में क्या होगा कि आपको बंदा स्पॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप लो FPS पे खेलते हो तो हो सकता है बंदा आपको पहले मारकर चला जाए, और अगर आप हाई FPS पे खेलते हो तो हो सकता है आप बिल्कुल बराबर की टक्कर दे दो या आप पहले मार के चले जाओ। बट एट द सेम टाइम 30-60 आप एक बार फिर भी थोड़ा बहुत खेल सकते हो, बट 30-90 आप, मैं ये कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपके पास 30 या 40 FPS का डिवाइस है और आप 90 FPS वाले के अगेंस्ट TDM खेल रहे हो तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, और विजुअल रिजल्ट मतलब विजिबल आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो या आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको गेम सेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और क्लोज रेंज के रिलेटेड, तो आप ये वाली वीडियोज़ को देख सकते हो जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।